कुछ भी नहीं भूली। मुझे सब कुछ याद है। तुम्हारा इस घर को छोड़ के चले जाना, तुम्हारी शादी का टूट जाना और फिर इस गम की वजह से तुम्हारे अब्बू का खबर तक पहुंच जाना, और परेशानी का इन सब बातों का फायदा उठाकर जो कुछ भी करना, मुझे सब याद है। मैं नहीं भूली हूँ, मैं कुछ नहीं भूली। सो सॉरी, मुझे माफ कर दे। मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था। मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं बस याद करवा रही थी अम्मी। बेटा, अब पहले जैसे हालात नहीं है। पहले तो तुम्हारे अब्बू जिंदा थे, लेकिन अब मैं अकेले कोई फैसला नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बंद गलियों में खड़े, और अगर मैं तूफान के डर से खिड़कियां बंद भी कर लूं, तो भी हम लोग दम घुटने से मर जाएंगे। बेटा, तुम समझने की कोशिश करो, मैं कमजोर हो गई हूँ बेटा, बेवा हो गई हूँ। तुम्हारे किसी गलत फैसले का बोझ अपने कंधों पे नहीं ले सकती बेटा, नहीं ले सकती हूँ। रोना बंद करें, इधर बैठे बैठे हैं। अम्मी देखिए, मेरी बात सुने। जैसा आप चाहेंगे अम्मी, जो आप कहेंगी वैसा ही होगा। जीती रहो, खुश रहो बेटा। रोना बंद कर। सुनिए, वो शानी आपसे कुछ बात करना चाहता है। हाँ बोलो। वो आज दुकान पे जल्दी जाना है। आज बेटा रोज ही जल्दी जाना है। अगर आप जल्दी तशरीफ ले जाएंगे तो आपकी मेहरबानी है, बहुत अच्छी बात है। मैं अरशद को चाबी दे चुका हूँ, वो दुकान खोल देगा, बस आप वक्त पे पहुंच जाइएगा। जी। वो भाभी जी ने कोई जवाब दिया? आप जी, वो कह रही थी कि मैं सोच के जवाब दूंगी। तो बताओ भला, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? उनकी बेटी के लिए कौन सी रिश्तों की लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे? सोच के बताएंगे। अब जो भी है, अनवर में उन पे अपनी मर्जी तो नहीं मुसलत कर सकती कि मुझे अभी जवाब दें। चलो सोच ले, मैं भी देखता हूँ कितना सोच लेती है। सप्ताह भाई की तरफ जा रहा हूँ, दुकान पे वक्त पहुंच जाना। जी समझे, लेट मत होना। ये क्या तरीका है? अपने अब्बा से बात करनी थी कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। शानी, तुम्हारे अब्बू बैठे थे ना, तुम्हें करनी चाहिए थी उनसे खुद ही बात। अगर मुझे खुद बात करनी होती तो मैं आपसे क्यों कहता?
शानी मुझे इस मामले से दूर रखो, जो कहना है ना खुद अपने बाप से कहो, मेरा दिमाग ना खाओ। आप जानती है कि अब्बा ने मेरी बात नहीं सुनी, और आप क्यों मेरा सबके सामने मजाक बनाना चाहती है? मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि तुझे बलि का बकरा बना दिया घर वालों ने, और अगर उसके रिश्ते नहीं आ रहे अपने कारनामों की वजह से, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उससे शादी कर लूं। तो मैंने तो ये रिश्ता नहीं करवाया ना, तुम्हारे बाप ने करवाया, उससे करो बात। अच्छा ठीक है माना, रिश्ता खत्म तो करवा सकती है ना? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे बाप के सामने हमेशा मेरे हाथ बंधे ही रहते हैं। भाई आपकी चाय। भाड़ में गई चाय। अम्मी आपकी चाय। सर पे डाल दो, आ गई मेरा दिमाग खाने, पता नहीं इन लोगों का तो कोई दिमाग काम ही नहीं करता, घर में किस किस्म का माहौल चल रहा है। चाय चाय पी ले, और कोई काम नहीं है। क्या मुसीबत है, पहले क्या कम प्रॉब्लम थी, जो भी अशानी का अजाब भी मुझ पर मुसल्लत हो गया है। एक तो जॉब नहीं मिल रही, अगर जॉब ना मिली तो अम्मी को कैसे कायल करूंगी। या अल्लाह प्लीज मेरी कोई अच्छी सी जॉब लगा दो, प्लीज मेरी परेशानियों को हल कर दे। अरे हाँ, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया, मुझे वो शिजा आपी को कॉल करनी चाहिए, उनके चैनल में मुझे कोई भी काम मिल सकता है। मॉर्निंग शो में शिजा आपी ने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतना प्रोटोकॉल दिया, अगर मैं उनसे बात करूँगी ना तो वो ज़रूर मेरे लिए कुछ ना कुछ करेंगी। कॉल करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन? कोमल, कोमल बात कर रही है ना आप? मैं रमशा बात कर रही हूँ। कौन रमशा? शायद आप भूल गई हैं, मैं वही रमशा बात कर रही हूँ जो अपनी अम्मी के साथ आपके मॉर्निंग शो में आई थी, और वो शॉपिंग गर्ल के नाम से मेरी वीडियो वायरल हुई थी। ओ रमशा, यस यस याद आ गया, और बताओ क्या हालचाल है? क्या मेरी शिजा आपी से बात हो सकती है? किस बारे में? वो एक्चुअली मुझे जॉब की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं शिजा आपी से बात करूं। मैं आप लोगों की टीम में आप लोगों के साथ काम करना चाह रही थी। अच्छा, तो तुम ये चाह रही थी? जी। तो देखो रमशा, जैसे ही मैं शिजा फ्री होंगी मैं उन्हें तुम्हारी कॉल और तुम्हारे कंसर्न के बारे में बता दूंगी, ठीक है? ठीक है, जब वो फ्री हो जाए ना तो मेरी उनसे हेलो हेलो कोमल, बेवकूफ लड़की। You qualify for this job. कल सुबह से join कर सकती हो। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आपकी दी हुई भीख नहीं चाहिए मुझे। फजूल बातें मत करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें इस नौकरी की जरूरत है। सर ये तो मुझे आपकी भी थी। खैर,
मुझ पर वहम खाना छोड़ दे मिस्टर अफनान।